बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रेडियम पर, जिसमें हम रेडियम को समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ये मेरे पास प्लास्टिक के स्टिकर मौजूद हैं, असल में इनमें रेडियम मिक्स किया गया है। क्योंकि इनमें रेडियम मिक्स है, यही वजह है कि ये चमक रहे हैं। और इन स्टिकर्स को कमरे की दीवार पर लगाना है बच्चों की मदद से, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। अच्छा, इनकी रोशनी अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन खारिज हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आखिर रेडियम है क्या? रेडियम अंधेरे में ग्लो यानी चमक क्यों पैदा करता है? रेडियम की पीरियोडिक टेबल में अहमियत क्या है? रेडियम की हमारी आम जिंदगी में अहमियत क्या है? देखें, रेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ग्रुप में मौजूद है। दूसरे ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं, लाइक बर्लियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम। इस ग्रुप में मौजूद मैग्नीशियम पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। रेडियम क्यों चमकता है? रेडियम इसलिए चमकता है क्योंकि ये तीन किरणें खारिज करता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज। गामा रेज को फोटोन रेज कहते हैं। फोटोन का मतलब लाइट यानी रोशनी, और ये वेटलेस होती है यानी इसका वज़न नहीं होता। अल्फ़ा और बीटा, एक तो ये एनर्जी खारिज करती हैं और दूसरे नंबर पर इनका वेट होता है। देखें, जो एलिमेंट एनर्जी और रोशनी वाली रेडिएशन रिलीज़ करता है, यकीनी बात है उसने चमकना है। अब इस एलिमेंट की किसी भी प्रोडक्ट को सूरज या रोशनी के सामने लाते हैं तो रेडिएशन जज्ब हो जाती हैं और अंधेरे में वही एलिमेंट चमकने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी कम होती जाती है क्योंकि रेडिएशन रिलीज़ हो रही होती हैं। अगर इन रेडिएशन के ज़राए की बात करें तो हवा, मिट्टी, पानी, हत्ता कि इंसानी साख्त शामिल हैं।